हेलो दोस्तों, ईवी ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एथर रजिस्टर जेड और टीवीएस आईक्यूब एस टॉप मॉडल के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि इसमें कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं और किसकी प्राइस कम और ज़्यादा होने वाली है तथा कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेस्ट साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए एथर रजिस्टर जेड मॉडल की, जिसे कि कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है। यह एक फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर लॉन्च किया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिल जाता है। वहीं इसकी कीमत अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक शोरूम कीमत दिल्ली 1,44,000 रुपये के आसपास है। इसके अलावा टीवीएस आईक्यूब एस की बात की जाए तो इसमें आपको BLDC तकनीक पर आधारित इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिल जाता है। वहीं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1,29,000 रुपये के आसपास रखी गई है, जो कि एक शोरूम कीमत है। सबसे पहले बात की जाए इसमें उपयोग किए गए वाले बैटरी की, तो दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको लिथियम आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। एथर रजिस्टर जेड में आपको 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, वहीं टीवीएस आईक्यूब एस में 3.4 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिल जाता है। एथर रजिस्टर में फास्ट चार्जिंग की सुविधा नहीं दी गई है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 6.10 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। वहीं टीवीएस आईक्यूब में आपको फास्ट चार्जिंग की सुविधा दी गई है, जिसकी मदद से यह 4.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। रेंज और टॉप स्पीड की बात की जाए तो एथर रजिस्टर की रेंज 160 किलोमीटर प्रति चार्ज की है, वहीं टीवीएस आईक्यूब आपको 100 किलोमीटर तक की रेंज आराम से दे पाती है। एथर रजिस्टर इको मोड में 125 किलोमीटर तक का रेंज देने में सक्षम है। टॉप स्पीड की बात की जाए तो एथर रजिस्टर जेड की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहीं टीवीएस आईक्यूब आपको 78 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देने में सक्षम है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो रजिस्टर में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग देखने को मिल जाता है। वहीं टीवीएस आईक्यूब में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बैटरी टाइप की बात की जाए तो इसमें लिथियम आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इलेक्ट्रिक मोटर की बात की जाए तो टीवीएस आईक्यूब में आपको BLDC तकनीक पर आधारित इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाता है। इसके अलावा एथर रजिस्टर में PMSM इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है। एडिशनल फीचर्स की बात की जाए तो टीवीएस आईक्यूब में आपको नंबर प्लेट लैंप, पार्किंग असिस्ट, लाइव लोकेशन जैसे फीचर्स, GSM कनेक्टिविटी, पार्किंग ब्रेक लेवल, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ DRL स्लाइड देखने को मिल जाता है। राइडिंग मोड में आपको इको मोड और पावर मोड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं एथर रजिस्टर जेड की बात की जाए तो इसमें कई सारे प्रीमियम फीचर्स को जोड़ा गया है, जैसे कि एलेक्सा स्किल, ऑटो रिप्लाई टू कॉल, मैजिक ट्विस्ट, स्कीड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं इसके अलावा और भी कई सारे प्रीमियम फीचर जैसे कि गूगल मैप, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, पिंग माई स्कूटर, राइड मोड, इको मोड, डैशबोर्ड, ऑटो ब्राइटनेस, ऑटो होल्ड जैसे नए फीचर्स को ऐड किया गया है। एथर रजिस्टर में कई सारे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं, जो कि टीवीएस आईक्यूब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एडिशनल और फीचर की बात की जाए तो कॉल अलर्ट की सुविधा दोनों में दी गई है। आपको रोड साइड असिस्टेंट रजिस्टर में देखने को मिलेगा, जबकि टीवीएस आईक्यूब में देखने को नहीं मिलेगा। USB चार्जिंग पोर्ट आपको दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिल जाएगा। म्यूजिक कंट्रोल दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिल जाएगा। OTA की सुविधा दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में दी गई है। फास्ट चार्जिंग की सुविधा आपको टीवीएस आईक्यूब में मिल जाएगा, जबकि रजिस्टर में देखने को नहीं मिलेगा। चार्जिंग एट होम की सुविधा दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में दी गई है। चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो एथर रजिस्टर 6.1 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, वहीं टीवीएस आईक्यूब को मात्र 4.5 घंटे। पुश बटन स्टार्ट की सुविधा आपको दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिल जाएगी। रजिस्टर के साथ साथ टीवीएस आईक्यूब में भी आपको की बटन स्टार्ट की सुविधा देखने को मिल जाती है। रजिस्टर में आपको स्नैपड्रैगन 212 प्रोसेसर के साथ एंड्रॉयड iOS सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि टीवीएस आईक्यूब में यह सुविधा नहीं दी गई है। दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 7.5 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगा। ट्रिप मीटर आपको दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग पॉइंट दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिल जाता है। लो बैटरी इंडिकेटर दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में दिए गए हैं। पैसेंजर फुट रेस्ट की सुविधा दी गई है। स्टोरेज की बात की जाए तो रजिस्टर में आपको स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है। इसमें 34 लीटर का
अंडर सीट स्टोरेज दिया गया है, जबकि टी वी एस आई क्यू में 32 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है।